बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार घर पर तैयार होगा, बाज़ार से कई गुना बेहतर, और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। जो भी ये खाएगा, जो भी इसको ट्राई करेगा, वो उंगलियाँ चाटता रह जाएगा, और मेहमान आपकी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी तारीफ बगैर नहीं रह सकेंगे। तो एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसमें बहुत ही अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हो सकता है कोई स्टेप्स आपसे मिस हो जाए तो स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पर हमने बॉल लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने आलू लिए हैं और आप देख सकते हैं बारीक लंबा हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है, और साथ में हमने ये टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो आलू थे वो हमने दो बड़े साइज़ के लिए थे और टमाटर हमने दो मीडियम साइज़ के, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आप बना रहे हों। तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं हमने इसको किस तरह से काटा है, कटर की दूसरी साइड से हमने इसे काटा है, और ये आपने तकरीबन ये देखें इस साइड से आपने काट लेना है, इस साइड से बाकी काटते हैं लेकिन आपने ये इस तरह से इस साइड से काटना है, ये कटर होता है, और एक साइड से कटते हैं उस सलाद के लिए, तो हमने दूसरी साइड से इसे काटना है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। दो बड़े साइज़ के हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, साथ में हमने ये हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चें आपने हरा धनिया जब भी इस्तेमाल करना है इसको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस पर डस्ट होती है, तो आपने इस चीज़ को स्किप नहीं करना। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हम इसमें ऐड कर देंगे, काला ज़ीरा आपको ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल हो जाएगा, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा ये हमने काली मिर्च ली है, वो हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने ऐड कर दी है। तो वाइट पेपर भी होती है, आपने ब्लैक पेपर इस्तेमाल करनी है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हमने 1 टेबल स्पून के करीब साबित धनिया जो हमने कुटा हुआ इसमें ऐड कर दिया है, और ये सारी चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, जो भी मसाले मैं इसमें ऐड करी हूँ आपने ज़रूर ऐड करने हैं। तो टेस्ट देने के लिए आपने सारे मसाले ज़रूर ऐड करने हैं। अब इसमें जो जाएगा वो हमने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है 1/2 टेबल स्पून के करीब, और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और इसमें अब जाएगा यहाँ पर हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी जो है आप घर में ही पीस दिया करें, ये हमने 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हसब ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आपको टेस्ट पसंद हो, नमक पसंद हो। अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से आपने इन्हें मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। तो पहले आपने अंडे नहीं ऐड करने, पहले ही आपने इस तरह से ही मसाले अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो जाएगा वो है अंडा, अंडा जो है हमने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आप बना रहे हो। यहाँ पर हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमने 4 अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको हमने अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से हमने एक बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसे अंडे बनाना शुरू करेंगे, तकरीबन आपने इसे 10 मिनट देने हैं, अच्छी तरह से आपने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो है हमने एक पैन लिया है और उसमें हमने ऑयल भी ग्रीस कर दिया है, 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। अब हमने इसको ऑयल को गर्म होने देंगे, ऑयल को आप गर्म होने दिया करें, और यहाँ पर हम इसको गर्म होने देंगे। तो इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी हमारा आज का जो अंडा है वो तैयार होगा, और इतना मज़ेदार के मेहमान खाएँगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएँगे। एक मरतबा तारीफ आपकी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे, अंडा ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ये देखें इस तरह से करके आपने सेट कर लेना है इसे। तो एक साइड आपने अच्छी तरह से पकने देनी है, तो यहाँ पर हम इसमें साइड जब पक चुकी है तो अब हम इसमें बाकी सारा जो है अंडा इसमें ऐड कर देंगे। एक मज़ेदार सा हशपश की तरह हम अंडा बनाएंगे, लेकिन हमने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, तो उससे इसका जो मज़ा है और इससे जो आप लुत्फ़ उठाएँगे वो डबल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार
बार ये जो हमारी आज की रेसिपी है तैयार होने वाली है, यकीन जानिए मैं जब ये बनाती हूँ तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बहुत ही शौक से खाते हैं। तो एक मरतबा रेसिपी आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो रेसिपी को आपने मेरे चैनल पर जाके देख लेना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बाकी रेसिपी मैंने आपको शेयर की हुई हैं। और रोज़ाना की रेसिपी से अपडेट होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि मेरी डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। यहाँ पर जो है हम इसको ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं ये नीचे हल्का सा लगना भी शुरू हो गया है। तो अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है, तकरीबन आपने इसे 15 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर हम इसे अब ढांप कर इस तरह से रख देंगे। अब हमें जो है तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी जो अंडे की रेसिपी है तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, मेरा जो कैमरा है सॉरी वो थोड़ा सा ख़राब है तो उससे सही नज़र नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है और इसकी जो लुक है ना बहुत ही मज़ेदार है। सारी चीज़ें निखरी हुई हैं लेकिन कैमरा सही तरह से नहीं दिखा रहा, तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छा सा प्यारा सा कैमरा ले सकूं और अपनी रेसिपीज़ आपको जो भी दिखाऊं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएँ। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा जो अंडा है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी लग रहा है। कैमरे की वजह से बिल्कुल निखरा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हर चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी आज की जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। तो इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, ये देखें हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल अलग अलग तैयार हुई है, कुछ भी इसमें नहीं जुड़ा। और ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है व्यूअर्स, उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो टाइम जाए के बगैर इसको बनाना शुरू करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मुझे कमेंट करता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है या मेरी वीडियो को लाइक करता है। तो आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। तो इसी के साथ अगली मज़ेदार सी वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।